देखे इसके लटकन, जो लोग मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, वर्क है इसके आगे से दोनों साइड से गाइस, जो आंचल है ना गाइस इतना अच्छा मिल रहा है ना, मैं ना मुझे साड़ी बहुत पसंद है, बहुत प्यारा है। इसका जो दुपट्टा है ना गाइस काफी अच्छा है, 3 बटन मिलेंगे, मैंने निकाल दिया है 4 5। देखिए, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग, इतने व्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो गाइस आज की जो वीडियो है वो कोई भी रूटीन वीडियो नहीं है, आज ना मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। तो थोड़ा बहुत सामान मैंने लिया है मीशो और फ्लिपकार्ट से, तो आज मैं वो सामान आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो जो भी मैंने सामान मंगाया गाइस वो मैंने सारा यहाँ पे लाके रख दिया है, फ़ोन को मैं लगा देती हूँ ट्राईपॉड में। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वाले टॉप से, और ये वाला टॉप मैंने लिया था मीशो से, और इसका ब्लैक आप लोगों ने देखा होगा मुझे पहनते हुए, बीच में मैंने पहना था, तो वो मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से, और ये मैंने मंगाया है मीशो से। टॉप दोनों ही सेम है और क्वालिटी का थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, प्राइस में भी कम से कम 10 से 15 रुपए का अंतर है, बाकी जो है प्राइस और कपड़े में भी ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये टॉप का इस मैंने लिया है, टी शर्ट टाइप का है, ये मैंने लिया है येलो कलर में, तो आप ये देख सकते हैं ये येलो कलर में है, फुल आस्तीन का, आगे यहाँ से वी नेक बना हुआ है जिसमें इस टाइप से डिजाइन बना हुआ है। बीच में आप लोगों ने मुझे देखा भी होगा ब्लैक कलर में मैंने पहना था, तो वो मुझे पड़ा था 170 रुपए में, मुझे ब्लैक वाला पड़ा था, और ये मुझे पड़ा है 150 में। इसका साइज मैंने मंगाया है एल, और जो ब्लैक वाला मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से उसका साइज था एम, तो बिल्कुल फिटिंग का आ रहा था, इसलिए मैंने कहा चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़े साइज में मंगा लेती हूँ। तो गाइस कपड़े की क्वालिटी काफी अच्छी है, डेली बेसिस में अगर कुछ आप पहनना चाहते हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, कलर बहुत प्यारा है। मैंने सोचा मैं इस बार येल्लो कलर में मंगाती हूँ घर में पहनने के लिए। कपड़ा बहुत ज्यादा मोटा तो नहीं है, हल्का है, बट इतना है कि इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब चल जाएगा तो ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्राइस मुझे काफी पसंद आया, मैं कभी व्लॉग में पहनूंगी तो आपको जो है दिखी जाएगा ये कैसा लग रहा है। और दूसरा प्रोडक्ट गाइस, तो ये है सूट और पैंट का सेट है गाइस, ये मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से, तो चलिए इसको ओपन करके दिखाती हूँ मैं आपको ये कैसा आया है। तो ये इस तरीके से पैक होकर आया था फ्लिपकार्ट से, तो ये ना गाइस बीच में चल रही थी सेल, तो इसी सेल पे मंगाया है, मंगाया था, और ये काफी अच्छा पड़ गया था हमको, समथिंग 600 के अंदर, 500 से 600 के अंदर हमें ये कुर्ता सेट, मतलब पजामा कुर्ता दुपट्टा ये सेट रिसीव हुआ है। आपको दुपट्टा दिखाती हूँ, तो इसमें ना काफी मतलब दुपट्टा अच्छा मिला है, मतलब 500 600 की रेंज में मुझे सूट काफी पसंद आया। तो गाइस आप देख सकते हैं इसका जो दुपट्टा है ना गाइस, उसकी 2 मीटर का आपको दुपट्टा मिल जाएगा, इस टाइप से प्योर कॉटन में मिलेगा कपड़ा इसका, और इसके दुपट्टे के साइड में इस तरीके का टसल्स मिलेंगे आपको, ये देखिए ऐसे डिजाइन पे मिलेगा, बहुत ही प्यारा कपड़ा है, कंफर्टेबल है, आप इसको समर विंटर दोनों में पहन सकते हैं, और जो चौड़ाई भी अच्छी है लंबाई भी अच्छी है, और ये लगाने के बाद भी काफी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, और कलर भी बहुत अच्छा है, तो आप इस सूट को डेली बेसिस पे भी पहन सकते हो, मार्केट जाना है तो भी पहन सकते हो। तो ये तो था गाइस इसका दुपट्टा, अब मैं इसका आपको जो है ट्राउजर दिखाती हूँ। तो ये है इसके कमर में गाइस को मिलेगा इलास्टिक, ये देखिए ये इलास्टिक मिलेगा इसके कमर में, और यहाँ पे आपको इसको बांधने के लिए नाड़ा दिया गया है, ये देखिए आप इसको टाइट कर सकते हैं, और काफी अच्छा है। कई बार जो भी हम इस टाइप से सेट लेते हैं तो आप लोगों ने गौर किया होगा उसका जो ट्राउजर होता है वो काफी चिपका चिपका सा होता है, मतलब टाइट सा लगता है, तो वो पहनने में अच्छा नहीं लगता, और घर में कपड़े जो है काफी ढीले ढाले कंफर्टेबल पहनने का मन करता है। तो जो पजामा है गाइस वो भी काफी अच्छा है, मतलब ज्यादा मतलब वो भी नहीं है, टाइट भी नहीं है, लूज है, तो आप देख सकते हैं ये इसका डिजाइनर से दिया गया है। और कुर्ती की बात करें साइज, मैं आपको साइज भी बताते हुए चलूंगी ताकि आपको ना थोड़ा सा आइडिया आ जाए। इसका जो साइज है वो एल साइज में इसे जो है ऑर्डर किया था, तो ये एल साइज है, क्योंकि कुर्ती ना गाइस थोड़ी सी लंबी अच्छी लगती है ना, तो आप देख सकते हैं इसका जो गला है ना गाइस, जो नेक है वो राउंड पे है, तो आगे भी राउंड है और पीछे
छोटा सा नेक दिया गया है और आगे आपको यहाँ पे तीन बटन मिलेंगे। देखिए यहाँ पे तीन बटन मिलेंगे आपको और पूरी कुर्ती जो है ऐसा डिजाइन बना हुआ है, बाकी प्लेन है और यहाँ पे इस टाइप से आस्तीन दी गई है। तो काफी अच्छा लगा मुझे पहनने के बाद, बहुत प्यारा लगेगा। ये देखिए तो गाइस ये भी मैंने बता दिया है, अच्छा है और प्राइस के अकॉर्डिंग तो बेस्ट है। दूसरा प्रोडक्ट ही भी गाइस फ्लिपकार्ट से ही है और ये भी उसी टाइम पे ऑर्डर किया था जब सेल चल रही थी। तो इसमें है बेडशीट, डबल बेड की बेडशीट है। था फाड़ फूड के पहले ही देख लिया था क्योंकि अगर रिटर्न करना होता है तो फिर रिटर्न कर देते हैं ना। तो गाइस इसका कलर बहुत प्यारा है, इसका कलर बहुत ही सुंदर है और ये इसके पिलो कलर है। ये डिजाइन इसके बने हुए हैं, कलर बहुत प्यारा है, क्वालिटी काफी अच्छी है। कपड़ा इसका कॉटन मिक्स होता ना उस टाइप का कपड़ा है मगर अच्छा है। दो पिलो कवर है गाइस इसमें, साइड में इलास्टिक कंफर्टेबल होती है बिछाने में और अच्छी भी लगती है। तो ये है, मैंने बस बाहर से देखा था, हमने अभी तक खोल के भी नहीं देखा कि ये कैसी है इलास्टिक। ये देखिए इलास्टिक मिल जाएगा, ये है गाइस इसका पूरा स्टेप से डिजाइन बना हुआ है। कपड़ा काफी सॉफ्ट है और अच्छा है, कलर काफी अच्छा लग रहा है और इसका जो प्राइस है ना गाइस वो 300 के अंडर ही ये बेडशीट है। मैं इसको देखूंगी, अगर लगा के दिखाऊंगी तो मैं ये भी कोशिश करूंगी आपको तो दिखाने के लिए। इसके बाद गाइस इसके बाद करवा चौथ आ रहा है और बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, दिवाली आ रहे हैं, पूजा पाठ, बहुत सारी ऐसी चीज होती है ना जिसमें हमें हल्की साड़ी पहनने का मन करता है। जैसे हम भारी साड़ी तो हम कभी शादी हो, पार्टी हो या कुछ हो तो ऐसे में सही लगता है रहता है, मगर जब भी घर में पहनने की बात आती है तो हमें कुछ हल्का सा चाहिए होता है डेली बेसिस पे, पूजा पाठ व्रत पे। घर में पहनने के लिए आप हल्की सी साड़ी देख रहे हो कम प्राइस में, तो ये मुझे बेस्ट लगा। एक साड़ी मतलब और ऑर्डर करी है, ये देखिए। तो इससे ना काफी लोगों ने बाय किया था, किसी ने देखा तो चलिए आपको खोल के दिखाती हूँ। ये है गाइस इसका कलर मेहरून में है जो कि बहुत वैसे ही सुंदर लगता है। इसी टाइप के कपड़े पूजा पाठ में भी चलते हैं ना तो अच्छे लगते हैं, तो आप इसको जो है वो कर सकते हैं। दोनों साइड से गाइस इसमें आपको डिजाइन मिल जाएगा, मतलब बॉर्डर मिल जाएगा जो कि साड़ी को और ज्यादा अच्छी बनाती है। साड़ी कुछ बांधनी टाइप का साड़ी का कपड़ा नहीं आता है, सेम वही कपड़ा है, काफी सॉफ्ट है, काफी हल्का है। इस टाइप के कपड़े ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, गर्मियों के लिए तो बेस्ट होते हैं। और गाइस ये देखिए इस साड़ी में आपको साड़ी की लंबाई चौड़ाई सब दिखाती हूँ और प्लस इसमें आपको ब्लाउज का कपड़ा भी मिल रहा है, वो भी इतना अच्छा। कई बार क्या होता है ना सस्ते साड़ी, जो सस्ती साड़ी होती है उसमें ब्लाउज का कपड़ा काफी खराब निकलता है, तो इस साड़ी में आपको ब्लाउज का कपड़ा इतना अच्छा मिल रहा है ना मैं क्या ही बताऊं। ब्लाउज पे आपको यहाँ पे वो मिल रहा है, बॉर्डर मिल रहा है, आप इसको बाजू में लगा सकते हैं या फिर बैक में, फ्रंट पे, मतलब कमर पे भी लगाते हैं ना डिजाइन, तो आप इसको वैसे तो बाजू में ही अच्छा लगेगा, ये आपका ब्लाउज बन जाएगा। और साड़ी बहुत ही प्यारी है, मतलब इतने कम प्राइस में ये साड़ी मिली मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो इस साड़ी का प्राइस है गाइस 300 रुपये, तो 300 रुपये मात्र 300 में आपको इतनी सुंदर साड़ी मिल रही है, मतलब ये पूरा सिलने के बाद ना बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये, और आपको ना इसके जो ये है इसका जो आंचल है ना गाइस उसमें आपको इस टाइप के ये मिलेंगे, छोटे छोटे टसल्स बने हुए हैं यहाँ पे, देखिए ये डिजाइन मिलेगा आपको आंचल पे, जिससे साड़ी हमारी बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत पसंद आई इसलिए मैंने इसमें एक साड़ी और मंगा दी है। हल्की सी साड़ी है, कलर इतना प्यारा है, प्राइस इतना कम है, ब्लाउज का कपड़ा इतना अच्छा है, तो मुझे लगता है आप लोग को लेना चाहिए, बहुत अच्छा है ये।
नवरात्रि के व्रत में भी ये साड़ी इतनी अच्छी जाने वाली है ना, मैं इसमें कोई भी कमी नहीं निकाल सकती। आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, अगर आप लेना चाहते हो तो उसको आप ले लीजिए। तो गाइस ये भी साड़ी थी मीशो की। इसके बाद ना गाइस फिर मैंने अपने लिए मंगाया, तो यहाँ पे ये है ब्लाउज। ये गाइस मैंने ब्लाउज मंगाया है मीशो से, बहुत प्यारा आया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस जो ब्लाउज का डिजाइन है ना गाइस, फ्रंट और बैक का वो बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज बहुत ही खूबसूरत है। तो वी नेक में आपको यहाँ पे इसके ब्लाउज का डिजाइन मिलने वाला है, और साथ में आपको इसके अंदर जो है पैट लगा हुआ मिलने वाला है। ये देखिए कलर इसका पिंक है और बहुत ही खूबसूरत वर्क है इसके आगे से आप देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो कढ़ाई वाला वर्क होता है ना गाइस वो है, और सीक्वेंस का भी वर्क है यहाँ पे। तो बहुत ही खूबसूरत वर्क आगे इसमें दिया गया है, और ब्लाउज के फ्रंट तो खूबसूरत है ही, साथ में इसका बैक भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसके बैक में ना गाइस यहाँ इसमें जो लटकन लगाए हैं ना, जो डोरी लगाई है सॉरी, वो इतनी प्यारी लग रही है ना। आपको पीछे हुक मिल जाएगा, गले का डिजाइन कुछ इस टाइप का, ये पौन बाजू है आपके। और ये पहनने के बाद मैंने ना ऐसी डाल के देखा था इसको, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये इस टाइप के जो है वर्क वाले ब्लाउज में अगर आप प्लेन साड़ी पहनेंगे तो बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। ये आपकी साड़ी को बिल्कुल सस्ती साड़ी को महंगे बना देने वाला है, क्योंकि अगर हैवी ब्लाउज पहनो और उसके साथ प्लेन साड़ी पहनो तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। 370 इसी टाइप का होगा। तो ये देखिए बिल्कुल हाईली रिकमेंड है अगर आप लेना चाहते हैं। तो गाइस ये तो थे साड़ी सूट ब्लाउज और चादर बिछाने के लिए। इसके बाद ना गाइस मैंने यहाँ पे कुछ आइटम्स लिए हैं। मुझे ना फ्लावर बहुत ज्यादा पसंद है, ओरिजिनल हो या फिर आर्टिफिशियल हो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ मंगाया है। सबसे पहले ना आपको ये दिखाती हूँ, इसका डब्बा ना गाइस मैंने निकाल दिया है, क्योंकि ये जिस कंडीशन में मुझे रिसीव हुआ था बिल्कुल कचुम्बर बन के रिसीव हुआ था। ये इसका पार्सल का डब्बा भी मतलब बिल्कुल पिचका हुआ था, तो मैंने इसको निकाल दिया क्योंकि फूल हो रहे थे इसमें खराब। तो ये आर्टिफिशियल सनफ्लावर मैंने लिए थे मीशो से, और ये काफी चल रहे हैं इस टाइम पे सनफ्लावर ना, तो ये बार बार जब भी मैं ऑर्डर कर रही थी ये आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहे थे। तो फिर मैंने झट से स्टॉक में आने के बाद मैंने इसको जो है ऑर्डर कर दिया था। और गाइस आप देख सकते हैं इनकी क्वालिटी, मैं दिखाऊं फ्लावर तो काफी अच्छे हैं, जैसा दिखाया था बिल्कुल वैसा ही मुझे रिसीव हुआ, बट ये यहाँ आने में इसका ना कचुम्बर बन चुका है बिल्कुल। तो ये खोल के दिखाऊं, इसमें आपको दो तीन चार पांच छह, ये छह आपको यहाँ पे और जो है सनफ्लावर की स्टिक मिली। सनफ्लावर का जो साइज है वो भी काफी बड़ा है, तो इसका प्राइस मुझे थोड़ा सा लगता है ना प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा महंगा है। ये मुझे 320-330 रुपए ज्यादा ही होगा, ये अभी भी ऐसी वर्क है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, फिलहाल तो मुझे ये मतलब ठीक लग रहा है। बहुत ज्यादा जितना मैंने इसके बारे में सुना था उतना अच्छा तो मुझे नहीं लग रहा है, मतलब ठीक है। तो गाइस इसके बाद फिर इसमें मैंने क्या मंगाया था, मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। मैंने इसलिए बंद कर दिया ना क्योंकि ये पार्सल आए हुए कुछ टाइम हो गया ना, तो मैं एक ही साथ दिखाना चाहती थी इसलिए मैंने इनको ऐसे ही रख दिया था। तो सनफ्लावर तो हो गया, इसके बाद फिर मैंने मीशो से मंगाए थे रोज, पिंक कलर के गुलाब के फूल, और इनकी क्वालिटी ना ये दिखने में काफी आपको ओरिजिनल लगेगा कि बिल्कुल ओरिजिनल फ्लावर है, काफी प्यारे हैं। और इसका प्राइस आपको मिलेगा 250 के समथिंग, ये मुझे मिले मैं मेंशन कर दूंगी आपको, अभी मुझे इसके प्राइस याद नहीं है। तो ये इस तरीके से ना बांध के बदे हुए आए थे यहाँ पे, ये देखिए। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं दोबारा।
तो गाइस अभी मैं पता है जस्ट खाना बना के आ रही हूँ। तो हस्बैंड आज सुबह निकल चुके थे, बहुत जल्दी निकल गए थे। इसके बाद फिर एक राउंड आए और खाना मैंने उनके लिए फटाफट से बनाया और वो जस्ट अभी निकले हैं। तो इसी वजह से मेरी वीडियो ना आधी रह गई थी और मैं फिर से आ चुकी हूँ भागते हुए। मतलब हो गया है, एक घंटे का गैप ले लिया मैंने इस बीच में, तो इस सामान में ऐसी छोड़ के गई थी। तो गाइस हम बात कर रहे थे इस रोज की, मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो ये मुझे 7 रिसीव हुए हैं और इनके कलर काफी अच्छे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, इसे टच करने पे भी आपको रियल वाला फील देगा, तो बहुत पसंद है। तो ये बहुत सुंदर लगेंगे, इनको मैं फिर लगा के दिखाऊंगी। मैं जो अब प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ इसके अंदर, अब मैंने फ्लावर तो ले लिए तो इसके लिए मुझे चाहिए था, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं पॉकेट में। और तो ये ऐसे पॉलिथीन में रैप होके आया था और ये काफी अच्छा है, मटेरियल प्लास्टिक है गाइस, काफी बड़ा भी है। इसका कलर आप देख सकते हैं, क्वालिटी काफी अच्छी है। अगर आप इसमें फ्लावर डालेंगे तो होता ना डोलता है, मतलब कभी गिर जाता है। आप इसके अंदर ना थोड़े बहुत पत्थर डाल सकते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा हैवी करने के लिए इसके अंदर कुछ भर सकते हैं, उसके बाद ही आप इसमें अपने फ्लावर डालना, बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो गाइस मैं आपको ना डाल के भी दिखाती हूँ, इसको मैं किसी और में लगाऊंगी, इतना होना चाहिए। तो ये सनफ्लावर मैं इसमें लगा के दिखाती हूँ, क्योंकि काफी लंबे है ना इनकी स्टिक, इसलिए ये इसमें बहुत सुंदर लग रहा है। अब देख सकते हैं गाइस, लग रहा है ना काफी प्यारा। तो एक ये था और इसका प्राइस गाइस 150, तो ये काफी अच्छा है 150 की रेंज में। तो इस लास्ट जो प्रोडक्ट मैंने मंगाया है मीशो से वो भी फ्लावर ही है, इसीलिए मैंने एक और मंगाया था और ये इसी बॉक्स में रिसीव हुआ है। मतलब मैंने इसकी पॉलिथीन निकाल दी है, तो कैसे निकाल, पॉलिथीन में ऐसे होकर आए थे। तो गाइस ये पिंक कलर के, डार्क पिंक और हल्के लाइट पिंक कलर में आपको ये फूल यहाँ पे मिल जाएंगे। इसका प्राइस भी गाइस 370 के करीब था, तो ये दिखने में काफी खूबसूरत लग रहा था और पता है मतलब जैसा मुझे पिक्चर में ये उससे थोड़ा सा हटके आया है कलर में, बाकी तो प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, बट जो इसका कलर है ना गाइस वो कलर चेंज आया है, कलर इसमें थोड़े से डार्क थे इसी वजह से मैंने इसको मंगाया था, बट जैसे मैंने इनको निकाला ना तो इनके कलर काफी हल्के थे, बस कलर का मुझे इसमें थोड़ा सा इश्यू लगा, बाकी तो अच्छे हैं, मतलब क्वालिटी भी अच्छी है और पूरा एक साथ आपको गुच्छा मिलेगा इस टाइप का, बहुत सारे फ्लावर है छोटे छोटे, ये देखिए बहुत अच्छी लग रही है। अगर इसे रख सकते हैं इसमें, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और या तो आप इसको सनफ्लावर को हटा के इनका मतलब मैं कर लूंगी कुछ जुगाड़, देखूंगी कैसा करना है। सेम सेम से लग रहे हैं ना तो पता नहीं चलेंगी ये गाइस आप लोगों के लिए, जो लोग मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं ये उनके लिए। तो गाइस यही थे मेरे आज के जो भी प्रोडक्ट जो भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे, तो कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा, लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो, आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आएगी और वीडियो का गाइस यहीं पर समापन करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, जो भी हमारा काम है काम वाली वीडियो के साथ। तो अभी के लिए बाय एंड टेक केयर।